हमारे सामने क्वेश्चन है फॉर द गैस फेज रिएक्शन, ठीक है ना। ये पूरी रिएक्शन है, इसमें जो जितनी भी फेज हैं सारी गैस में है, ठीक है ना, सब गैस फेज में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो PCl5 जो है ये रिएक्ट करके किस में टूट रहा है, PCl3 प्लस Cl2 में, है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट, तो ऊपर की रिएक्शंस के लिए, रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशन जो है करेक्ट है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी, ठीक है ना। यानी डेलेट जो एंथैल्पी होगी वो जीरो से ज़्यादा यानी पॉजिटिव होगी। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ होती है तो सेंटर में जीरो होता है, लेफ्ट में चलती है तो -1, -2, -3, है ना, माइनस में चल जाती है, और जो है प्लस में चलती है तो राइट साइड में 1, 2, 3। तो ये जीरो से ज़्यादा है यानी पॉजिटिव रहेगी, कोई भी चीज़ क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और इधर होगी जीरो से कम तो क्या होगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है ना। जीरो से ज़्यादा तो पॉजिटिव, जीरो से कम तो नेगेटिव। तो यहाँ पर दोनों जगह जो है डेल एच है, ये भी जीरो से ज़्यादा यानी पॉजिटिव है, और एंट्रोपी भी जीरो से ज़्यादा यानी पॉजिटिव है। तो ये किस तरह से है इस रिएक्शन के लिए, आइए हम देखते हैं। हमारी रिएक्शन क्या है, PCl5 गैस, ठीक है, इससे बन रहा है PCl3, ये भी गैस है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और Cl2 ये भी गैस फेज में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा फार्मूला होता है, हमें एक तो डेल एच बताना है और एक क्या बताना है, डेल एस यानी एंथैल्पी, एनर्जी बताना है, टोटल एनर्जी इस रिएक्शन की, और इस पूरी जो है रिएक्शन का डिसऑर्डर, डेलेस का मतलब होता है बिगाड़, डिसऑर्डर यानी कितना उसके अंदर बिखराव आ रहा है, कितना वो बिगड़ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो आइस होता है उसकी जो है एंट्रोपी कम, उससे जब लिक्विड बनता है तो उसके मॉलिक्यूल्स और रेंडम इधर उधर भागने लगते हैं, फ्री हो जाते हैं और डिसऑर्डर आ जाता है, और जब गैस में चेंज हो जाता है वाटर तो डिसऑर्डर और बढ़ जाता है यानी बिगाड़ और बढ़ जाता है, यानी एंट्रोपी गैस की सबसे ज़्यादा होती है ना, सॉलिड की कम। और क्रिस्टलाइन अगर कोई होता है, कोई चीज़ क्रिस्टलाइन होती है, उसमें ऑर्डर मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे जमे होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं, तो उसकी एंट्रोपी जीरो होती है, ठीक है ना, वहाँ पे ऑर्डर बहुत अच्छा होता है, और जैसे जैसे वो डिसऑर्डर होता जाता है वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, यानी आइस की कम, उसके बाद लिक्विड की डिसऑर्डर बढ़ गया, एंट्रोपी ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो है गैस के लिए होती है, ठीक है। तो ये हमारी तीनों फेज जो है गैस में ही है, तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पे डेल एच और डेल एस निकालेंगे, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं डेल एच निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला होता है। एंथैल्पी का डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको जो है ना प्रेशर है ना वॉल्यूम है, तो इस जो है हम फार्मूले को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, हम जानते हैं क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, पी डेल वी इज इक्वल टू डेल एन आर टी होता है, यह हमारा जो आइडियल गैस का इक्वेशन होती है, पी डेल वी इज इक्वल टू डेल एन आर टी। तो पी डेल वी की जगह हम क्या रख सकते हैं, डेल एन आर टी, ठीक है ना। तो फार्मूले में क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल एन आर टी, ठीक है। अब इस फार्मूले के बेसिस पर हम देखते हैं डेल एच की क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है डेल एच देखने के लिए हमारे पास क्या है, डेल एन है, तो हम डेल एन देख लेंगे, यानी एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, है ना, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो यहाँ पर PCl5 के कितने मोल है, PCl5 एक है यानी इसका एक मोल है, यहाँ पर PCl3 कितना है, एक है तो इसका एक मोल, यहाँ पर Cl2 भी क्या है, सब एक एक है, तो इसका जो है एक मोल है, तो ये वन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डेल एन क्या होता है, डेल एन होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। हम इनकी वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है, करें वैल्यू पुट यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो हमारे प्रोडक्ट है इसके टोटल मोल कितने हो जाएंगे, वन और वन टू हो जाएंगे, टू माइनस रिएक्टेंट का कितना है, वन है, तो हमारा कितना आ जाएगा, डेल एन आ जाएगा वन, ठीक है ना, ये पॉजिटिव में आया हमारा वन,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसकी वन की, तो डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, और ये डेल एन पॉजिटिव है तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव, यानी डेल एच यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। ये वन क्या पॉजिटिव का है, माइनस का वन नहीं है ये, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ क्या होता, प्लस माइनस माइनस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू चूंकि क्या है, वन की पॉजिटिव में है, तो डेल एच भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा, यानी हमारा डेल एच क्या हो जाएगा, जीरो से ज़्यादा। ये एक वैल्यू तो हमको आंसर की मिल चुकी है। अब दूसरी हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर एंट्रोपी डेल एस के लिए देखेंगे। डेल एस क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना, प्रोडक्ट एंट्रोपी, ठीक है, यानी इसकी एंट्रोपी और जो है माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, ये रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो लेफ्ट में क्या है, सिर्फ एक गैस है, और ये इधर टूट के ज़्यादा गैस बन रही है, यानी यहाँ पर डिसऑर्डर बढ़ा, ठीक है ना। यहाँ पर दो गैस है और यहाँ पर एक ही गैस पी सी एल फाइव, और यहाँ दो गैस है पी सी एल थ्री सी एल टू, यानी गैस ज़्यादा बन गई, यानी यहाँ पर क्या हुआ, डिसऑर्डर बढ़ गया। डिसऑर्डर क्या हुआ, बढ़ गया, यानी प्रोडक्ट की अगर ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कम है, इसका मतलब डेल एस क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। ये वैल्यू ज़्यादा होती है और ये कम होती है, तो आंसर कितने में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ डेल एस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर डेल एस भी क्या है, पॉजिटिव, यानी ज़ीरो से ज़्यादा है। तो हमारा आंसर, ठीक है ना, जो कि क्या था, डी, जिसके लिए क्या था, एंथैल्पी ज़ीरो से अधिक यानी पॉजिटिव, और एंट्रोपी भी ज़ीरो से अधिक यानी पॉजिटिव। तो ये हमारे दोनों आंसर यहाँ पर इस बेसिस पर आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।